हे एवरीवन, हिंदू कॉलेज विभिन्न गैर शिक्षण पदों के लिए 48 पदों पर भर्ती कर रहा है। उक्त पद रिक्तियाँ स्थायी आधार पर हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी चैनल जॉब एडिटर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नाउ लेट स्टार्ट दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। इसके लिए हमें हिंदू कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। NIRF ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 में हिंदू कॉलेज सेकंड रैंक पर आया हुआ था। हिंदू कॉलेज फर्स्ट रैंक इन आर्ट्स, सेकंड रैंक इन कॉमर्स एंड फर्स्ट रैंक इन साइंस में इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेजेस रैंकिंग 2023 में आया हुआ है। यहाँ होम पेज पर ही रिक्रूटमेंट ऑप्शन मिलेगा। इसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट। इस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट में हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2024 को निकाला गया है। इसमें अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं, लैब असिस्टेंट के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज दी हैं, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई है। यह सारी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। इसके पे लेवल है 1, 2 एंड 4। एज लिमिट 30 दी है, जूनियर असिस्टेंट की 27 दी हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग है, इसमें टोटल 48 पोस्ट होती हैं। चलिए अब हम डिटेल में पोस्ट डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। यहाँ लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए पोस्ट निकाली गई है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, 10+2 विद इक्विवेलेंट और रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट और ग्रेजुएट विद रिलेवेंट सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर 10+2 में आपका मैथ साइंस या साइंस रिलेटेड फील्ड होनी चाहिए। सो अगर आपका 12th मैथ साइंस से था और ग्रेजुएशन कोई साइंस सब्जेक्ट से था तो आप इससे फिल कर सकते हैं फॉर्म को। नाउ द सेकंड पोस्ट इज जूनियर असिस्टेंट। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 होना चाहिए और हैविंग टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी 30 वर्ड पर मिनट थ्रू कंप्यूटर टाइपराइटिंग्स। नाउ द नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल इज लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए या फिर साइंस सब्जेक्ट से कोई भी। और लास्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसमें 10th पास मांगा गया है और सर्टिफिकेट मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के थ्रू। बेसिक कोर्स या सेकेंडरी लेवल पे कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हो कोई इंस्टीट्यूशन से। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए हिंदू कॉलेज recruitment.in पर जाना होगा या फिर हिंदू कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। याद रखिए 9 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, ऑल द पोस्ट शॉल बी फिल्ड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एज रिलैक्सेशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और UGC के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने PDF प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी और ना ही TA/DA पेड किया जाएगा जब आपका स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा तब। ऑल द डॉक्यूमेंट वुड बी अपलोडेड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, शॉल बी सेल्फ अटेस्टेड। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साइन इन करने के लिए कहेंगे। साइन इन तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन बटन पर। यहाँ पर क्लिक करते ही हमें साइन अप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड डालकर कैप्चा पर क्लिक करेंगे एंड हम रजिस्टर करेंगे। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप ऑलरेडी हैव अकाउंट पर क्लिक भी कर सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद, साइन इन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बताएंगे। अनरिजर्व की 500 है, OBC EWS कैंडिडेट्स 300 रुपीज़ फिल करेंगे और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। यहाँ पे एक्सटेंशन है, फी इज़ नॉट रिफंडेबल। फिर यहाँ पर टॉप राइट में एक बटन दिया है अप्लाई फॉर जॉब, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इसमें पर्सनल डिटेल, एजुकेशन एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 9 फरवरी है, तो आप इससे पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिए। यहाँ पर सारी पोस्ट के लिए पे लेवल अच्छा दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। वन थिंग इज़ टू बी नोटेड दैट आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो आप इसकी लास्ट डेट की वेट नहीं किया कीजिए, क्योंकि अगर हम लास्ट डेट की वेट करेंगे और कभी सर्वर डाउन हो गया या कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो हम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप समय पर ही फॉर्म फिल किया करें।
यहाँ एज लिमिट 30 दी हुई है और जूनियर असिस्टेंट की एज लिमिट 27 दी हुई है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 48। इसमें अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स दिया है एससी एसटी के लिए और 3 ईयर दिया है ओबीसी के लिए और 10 ईयर्स दिया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए। यह एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस फिल दिस फॉर्म एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी वैकेंसी की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है जॉब एडिटर। यहाँ डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न्यू जॉब वैकेंसीज की अपडेट हम लाते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।